मस्त अभी टीटी खेलेंगे। ओके आई एम डन। हंस रही है यार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इन अनदर व्लॉग। अभी 8 बजे रहे सुबह के एंड अभी मैं यहाँ पे अपने वर्क प्लेस में हूँ। जिसको नहीं पता, आई एम स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। यहाँ पे मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ, गोल्फर्स, टेनिस प्लेयर, जितने भी एथलीट्स हैं, सो यहाँ पे मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ। ब्यूटीफुल प्लेस। एंड अभी यहाँ पे मैं कुछ काम से आया हूँ, प्लस मेरे को यहाँ पे अभी गोल्फ भी खेलनी है। मेरे को पता नहीं गोल्फ मैं खेल पाऊंगा या नहीं खेल पाऊंगा। गजी चाबी दे दो। बेसिकली सारा गोल्फ रेंज है एंड यहाँ पे लोग बेसिकली गोल्फ खेलने आते हैं। ये मेन हब है गोल्फर्स का। अभी ट्राई करना चाहता हूँ गोल्फ, बट मेरे को टाइम ही लग रहा है। आज मेरा प्लान है, जिसको मैंने साथ में बुलाया, अगर वो आती है तो मैं गोल्फ खेल पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं खेल पाऊंगा। पर देखो ब्यूटीफुल जगह बहुत प्यारी है यार। दिस इज द मेन एंट्रेंस, यहाँ से बेसिकली हम एंटर करेंगे एंड यहाँ से देखो व्यू, देखो खुला आसमान। यहाँ पर आकर दिमाग ऐसे खुल जाता है कि भाई नए नए आइडियाज आना एंड ऑल। सो दिस इज एन एथलेटिक सेंटर। यहाँ पे बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं, एडल्ट आते हैं, टीन्स आते हैं, तो सारे यहाँ पे आके ट्रेन करते हैं। सो दिस इज द प्लेस, सुंदर सा, साफ सुथरा। ये बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट के रूम है, नॉर्मल रिसेप्शन हमारा, फिर यहाँ पे एक ऑफिस है। सो दिस इज माय प्लेस, यहाँ पे मैं बैठता हूँ आराम से, खाता पीता हूँ। कुछ मशीन्स रखी हुई है, ये सारी वाइब है यहाँ की बेसिकली। कैरम बोर्ड, ये तो भाई मतलब यहाँ पे इतनी अच्छी वाइब है ना, इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल जिम। सो बेसिकली आज मेरे सेशंस है, संडेस को भी मेरे सेशंस है। बहुत कम लोगों को मैं सेशंस देता हूँ, बट जिनको मैं देता हूँ तो बेसिकली दे आर डेडिकेटेड टू देयर गोल्स, सो इसलिए मैं देता हूँ। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स है मेरे पास, सो मैं जल्दी अभी थोड़ा फ्रेश होऊंगा। फ्रेश होने के बाद मैं सेशन लूंगा। सेशन लेने के बाद लेट्स सी कि मेरा क्या प्लान बनता है। प्लान्स तो मेरे हैं आज, लेकिन लेट्स सी कि वो एग्जीक्यूट हो पाते हैं नहीं हो पाते। बट यस, आई एम एक्साइटेड फॉर टुडे। इट इज अ गुड स्टार्ट कि मेरा दिन जो है अभी काम से शुरू हो रहा है। आई लव माई वर्क एंड आई लव दिस प्लेस। लेट्स गो। सो वी आर रेडी नाउ। एंड जो ये सारा एरिया, ये ऊपर का एरिया है, मेन जो एरिया है वो नीचे जा गया है। दिस इज द मेन पार्ट। यहाँ पे लोग सारे जूते वूते रखते हैं अपने, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं अकेला ही हूँ, आज संडे है, बिकॉज दिस इज द मेन पार्ट। ये सारा एरिया परफेक्ट। टीवी है, बॉक्सिंग बैग है, ये सारा बेसिकली। अभी मैं अकेला मैं आज अकेला सेशन लेगा। सर हाउ इज द सेशन? गुड, वेरी गुड। ओके सो अभी 9 बज रहे हैं एंड वी आर जस्ट डन विद द सेशन। और इसके बाद नाउ दिस इज आवर फेवरेट पार्ट, मी एंड दिस इज गौरव सर। गौरव सर जो है मेरे को टीटी की प्रैक्टिस करवाते हैं एंड अभी आज संडे है, सो मस्त अभी टीटी खेलेंगे। नाउ सी कि हमारा मैच कैसा होता है। ओके हार चुका हूँ मैं वैसे तो। ओके सो सेशंस डन, सब काम खत्म, टीटी भी खेल ली, मजा आ गया। अब जो मेन काम जिसके लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड था, वह गोल्फ खेलने से। पर्ची है बेसिकली यहाँ से लेनी पड़ती है प्रैक्टिस के लिए, जिसके साथ मैं गोल्फ खेल रहा हूँ। चीज है एंड मैं बस उधर ही जा रहा हूँ। ओके सो फाइनली वी आर द मेन प्लेस। यार हंस रही है यार। शी इज मिली, शी इज अ गोल्फर, मतलब प्रॉपर। तो बता दो मेरे को क्या करना है। ओके सो आई डन विद द गोल्फ, मजा आ गया यार कसम से। वेरी टफ स्पोर्ट, वेरी टेक्निकल, बंदा मेंटली इतना पागल हो जाता है ना कसम से। मैंने पहली बार खेला, मेरे को मतलब अच्छा फील हुआ, बट सो टफ। संगड़ी आफ्टर 6 आवर्स, मतलब 6 घंटे कंटिन्यूअसली, मतलब पहले सेशंस लिए, गोल्फ खेली, टीटी खेली, सब खत्म करने के बाद अब मैं पे मतलब बेड में बैठा आराम से, इतना सुकून मिल रहा है ना कसम से। अभी इसके बाद हमारा और प्लान है, यहाँ आसपास में एक बेसिकली पार्क टाइप कुछ है, तो वहाँ पे जाएंगे, ट्रैम्पोलिन पार्क एंड और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है वहाँ पे। नायशा, मैं, दीदी, हम सब जाएंगे वहाँ पे, बट उससे पहले थोड़ा यहाँ पे बैठे हैं, फिर खाना बना गए, फिर जाएंगे। आज हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ पाप, फेवरेट जगह है वो। फिर इलांटे नहीं है? इलांटे भी है। इलांटे भी है, हॉप अप या इलांटे, एक चूज करो। हॉप अप। ओहो, लेकिन आज तो हम इलांटे जा रहे हैं, फिर आप इलांटे नहीं जाओगे? मजाक कर रहा हूँ, आप जा रहे हैं। अच्छी यार तू
ये नाक नाक क्यों कटा रहे हो? पहले सुनो सुनो, पहले प्रिया का वोट चेक करो, अंडरवेयर इसने सुसु तो नहीं कर दिया? गीला है क्या? क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही है भाई नीचे गीला हो चुका है एंड इसने सुसु कर दिया। पहली बार किसी बच्चे ने मेरे गोद में सुसु किया भाई। कोई बात नहीं, मेरी भांजी है, इट्स ओके। हेलो गाइस, हम हॉप अप जा रहे हैं। यहाँ पे ड्यूटी लग रही है, बच्चा कौन संभालेगा? मैं ना जाएंगे ट्रैम्पोलिन पार्क में, दीदी जाएंगे ट्रैम्पोलिन पार्क में, मैं जाऊँ गो-कार्ट के लिए, अब ये रह जाएगी टिया। अच्छा तो यही देखेंगे। कह रहे हम यहाँ पे सिर्फ देखने नहीं आए, खेलने भी आए भाई। फुल गुंडा करके चल रही है यहाँ पे। बाकी भाई यहाँ पे आए हैं भाई, बच्ची है यहाँ की। बाकी दीदी क्या क्या कहते हो, ट्रैम्पोलिन पार्क तोड़ देना अपने पूरा, ठीक है? ये देखो मैं सो गई है। कोई दया नहीं, कोई रहम नहीं जी यार। साइन कर दो, मैंने कहा मुंह उठाता है, इनको धक्का देंगे। हाउ सर्दी है दुनिया यार आंदी चढ़ो, रुकिया ना रुक जाए मैं मक्का दो, मैं खत्म बने दबाने आई गल छड़ दो, रख दे ना फट के गप्पर चढ़ दो गल तो, पोलाइट बोली कर दे राइट कम जिने कीते हुन काई पी बिना गल्लों आके जे नहीं है कुछ नहीं पता लगता, वो सट से लगेगी बस एक और कुछ नहीं पता लगेगा। कम दाई लीक फेरे अपने तरीके नाल कर, कैसा रहा सट लगी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है क्या ये? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। एंजॉय करने आई थी हंस रही है, पति का बच्चा पकड़ा है, कैसे मिलेगा आ रही आप? अबे यार पागल हो गया, सबसे की बोरे की तरह फेंक दी। देखो अभी भी चैन नहीं है उसको, टेम्पलिन हो गया और जो हमें टेम्पलिन में सॉन्ग यूज कर रहे थे भाई ले आए भाई ये। ओके तो ट्रैम्पोलिन से फ्री हो गए आप जो है, हम गो-कार्टिंग के लिए जा रहे हैं। मीन तो खैर मैं इसी के लिए आया था, मैं हां गो-कार्टिंग मैंने ट्राई कर दी थी। तो एंड नहीं शहर दी हवा भी होई साडे वल दी, आज साडे वल दी पता नहीं कल दी, ओ बदले जे कल भी तां कोई गल नहीं, चक्कर जमानी जिंदगी।